अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू संडे ब्रंच विद लुबना। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग टीवी वन। वी नो यू हैव प्लेंटी ऑफ चॉइसेस एंड यू चूज़ टीवी वन, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उम्मीद है आप लोगों का थैंक्स गिविंग बहुत अच्छा गुजरा होगा, खूब टर्की वर्की खा ली होगी आप लोगों ने और या के बिरयानी खाई होगी। एनीवे आई नो बच्चों की भी छुट्टियां हैं और बस रैप अप हो रहा है, आज आखिरी दिन है, कल से बच्चे वापस स्कूल जा रहे होंगे आप लोगों के, जो लोग सब देख रहे हैं पूरे US में, पूरे कनाडा में एंड ऑफ कोर्स राइट हियर इन ह्यूस्टन। सो उम्मीद है आप लोगों का दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे एंड स्टार्टिंग योर संडे आफ्टरनून विद अस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं नंबर यहाँ का दे दूँ आप लोगों को, इट इज़ 855-886-6387 एक्सटेंशन 4। ये एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने हमारे शो तक पहुँचना है, यू हैव टू पुट द एक्सटेंशन इन एंड गेट टू आवर प्रोग्राम। अगर आपने हमारे गेस्ट से बात करनी है, आपने शो के बारे में कोई बात कहनी है या एनी ऑफ योर कॉमेंट्स एंड सजेशंस, वी सर्टनली वेलकम दैट। एंड ऑफ कोर्स आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं, कोई वजह है जो आप ईमेल एड्रेस देखते हैं स्क्रीन पे, सो ज़रूर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं शो को, मैं बताऊँ क्या होता है शो पे। हम उन लोगों को लेके आते हैं जिन लोगों ने कोई पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, कोई चीज़ें अच्छी कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी में। और जितने भी आपने मेरे गेस्ट देखे हैं माशाल्लाह आज तक, जितने भी आए हैं और फ्यूचर में भी आएंगे, ये वो लोग हैं जो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिनका हमें मालूम है कि किसी को कहते नहीं है, किसी तरह से ख़राब नहीं किया, कोई ख़राब काम नहीं किया, अच्छे ही, मतलब पूरा बैकग्राउंड चेक करके आते हैं लोग के शो पे। बट ऑल जोक्स असाइड, द थिंग इज़ देयर आर सो मेनी पीपल हियर राइट हियर इन ह्यूस्टन जो बहुत सारे काम कर रहे हैं। यू नीड टू नो अबाउट दैम, यू नीड टू बी इंस्पायर्ड अबाउट दैम, एंड इट कुड बी इवन अ सिंपल पर्सन बट डूइंग डिफरेंट थिंग्स। ऑल्सो हमारे शो में टॉपिक भी होता है, और टॉपिक इसलिए होता है कि यू नो अगर आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को तो आप भी कुछ सीखें, आपकी ज़िंदगी में भी कोई चेंज आए। हो सकता है कि कुछ आप गलत कर रहे हों तो इस शो के बाद आपको हो कि यार ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, लेट मी ट्राई टू इम्प्रूव इट, और यू माइट बी वन ऑफ दोज हु इज़ अ विक्टिम ऑफ इट। एनीवे ये थोड़ा सा बताना था आपको शो के बारे में। और आज का शो, अभी शो से पहले सिर्फ बातें हो रही थी हमारी और कहते नहीं हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था हमारा, तो कोशिश होगी कि आज का शो हम थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी रखें आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के मेहमान भी ऐसे हैं। और मिलाते हैं आज के गेस्ट के साथ, हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो हैं असद जवाद, और उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम लुबना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? बिल्कुल दुआएं आपकी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आपके स्टूडियो पे आके। वाकई में टीवी में देखते थे लेकिन यहाँ आके लगा कि वाकई में एक नहायत ही प्रोफेशनल स्टूडियो आप लोगों ने बनाया। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं फरिया असद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लुबना? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपके शो में आके, माशाल्लाह वेरी नाइस, और आप तो बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि अक्सर ऐसा मेरे ख्याल से आप दोनों बात कर लें मैं चला जाता हूँ नहीं, जो सच है वो बोलना चाहिए। माशाल्लाह अक्सर यूजली ऐसा होता है कि आप टीवी में किसी को देखते हैं वो देखने में कुछ होता है, आप जाते हैं तो देखने में कुछ और लगता है, लेकिन आप तो माशाल्लाह वेरी प्रिटी, थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके। थैंक यू, और दोनों को थैंक यू सो मच कि आप दोनों आए। बाय द वे ये कपल है, मैं पहले बता दूं। हाँ प्लीज ये क्लियर कर दीजिएगा वरना लोग समझेंगे कि शो के अंदर कुछ चल रहा है। नहीं 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 नहीं, माशाल्लाह इतना क्यूट कपल है जो मैं, काफ़ी लोग आते हैं हमारे शो पे लेकिन जब ऐसा कोई क्यूट सा कपल आया ना, इन लोगों की बातें बस मुझे हो रहा था कि वहाँ पे हम कैमरा जाते हैं और वहाँ पे आप लोगों का कैच अप कर लेते हैं। आई नो, देखिए ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो चटपटापन होना बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए बहुत सी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ज़िंदगी तो आपको मालूम है कितनी यानी कठिन आमेज़ है, ज़िंदगी में कितने मसले मसाइल हैं, लेकिन इन चीज़ों से ना आप जो हैं वो एक नया एनर्जी लेके आते हैं अपने अंदर, तो वही हमारा इनका हिसाब है, इनकी छेड़खानी हमारी चलती रहती हैं और बच्चे भी परेशान हैं कि ये अम्मी अब्बू को कभी कभी क्या हो जाता है, लेकिन आई थिंक ऐसा होना, कभी कभी हाथ में बेलन भी होता है, कभी अच्छा वही ना बेलन, अभी देखिए ना अभी ये थोड़ा सा ये मैं चली जाती हूँ आप लोग बैठे नहीं, मैं आपको एक बार बताना, देखे ना अब ये जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे फूला हुआ है, ये मोटापा नहीं है, ये सूजन है। हाँ पिछले वो लास्ट नाइट जो है ना वो चार रोटियां मुझसे जल गई। अच्छा। तो बस बेलन आ गया हाथ में, देखिए किसकी बातें कर रहे हैं क्या बातें कर रहे हैं आप भी सच में। अभी नहीं अच्छा। नहीं देखिए मोहब्बत प्यार झगड़े हर जगह होते हैं, हमारी भी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि हम लोग की लाइकिंग बहुत सी सोशलाइजेशन कह लें जिसे, हम लोग की सेम है, सेम म्यूज़िक का शौक़ है, गाने बजाने का, मस्तियों का, जोक्स करने का, याद तो इनके साथ रखे, मैं ऐसी बन गई अच्छा, मेरे ख्याल से। पहले मैं ही पूछूंगी आप लोगों से, मैं आपसे पूछूँ या पहले आपसे पूछूँ कि
कब आप लोगों की मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई? देखिए जी, अब तो ये ऐसी बात हो गई है कि बस मैं आपको क्या बताऊं, 26 साल हो गए इस बात को। मैं एक उस ज़माने में मैं न्यूयॉर्क में था, ये बात है 1986 की जी। तो 84 में मैं एथेंस ग्रीस से यहाँ पे आया था, तो कैंडी स्टोर में काम करता था और साथ में कॉलेज जाता था। तो हमने ये देखा कि हमारी इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ना वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो हमने कहा यार अब एक नया बिजनेस का आइडिया आया कि VHS के कैसेट्स जो है रखे जाए, तो वो हमने जो है वो मूवियाँ रखनी शुरू की। एक दिन यूँ है ये टेल टीवी आ गई हमारे पास। तो हम काउंटर के पीछे थे जी। तो कहने लगी जी आपके पास मोहब्बत है। अब वो मोहब्बत जो है वो माधुरी की फिल्म जो है वो ज़माने में आई थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए यानी जिस अंदाज से इन्होंने बोला आपके पास मोहब्बत है, देखिए ना अंदाज तो सही था क्योंकि मूवी जब लेने जाते हैं, मेरे साथ कजिन्स भी थे और लोग भी थे, और जब मूवी के लिए गई तो मैंने कहा देखें आपके पास मोहब्बत है क्योंकि मूवी का नाम मोहब्बत था। लेकिन आपने जिस स्टाइल से बोला मैं थोड़ा सा शर्मा भी गया। ओ और नहीं हल्का सा मैं हुआ जिस अंदाज से आपने पूछा, मैंने कहा भाई लो जी बहुत ही मोहब्बत है। क्यों दे दी थी, कितना शर्माए थे। तो बस हमने कहा कि यार चलो छोड़ो यार, अब इनको मोहब्बत दे देते हैं, बेचारी अकेली है यहाँ पे, माँ बाप भी पाकिस्तान में है। तो इस जमाने में इनके वाले जो है ना वो PI में इंजीनियर थे। अच्छा जी हाँ, आते जाते रहते थे। आते जाते रहते थे। तो ये लव मैरिज थी, ये एक्चुअली हाँ लव मैरिज थी। तो अरेंज हो गई आसानी से या मसले में? बहुत आसानी से अरेंज हो गई क्योंकि अमेरिका में थे हम। तो मेरी बहन जो है उसने उसको मैंने बोला, उसको दिखाया तो हमारे बहनों ही उन्होंने सबने पसंद किया। और फिर ये जब पाकिस्तान गई तो उस वक्त डैडी एथेंस में थे, तो मैंने उनको एथेंस भेजा कि डैडी भी देख लें। तो उन्होंने भी देखा, बहुत पसंद किया। फिर वहाँ से हम लोग मीडिया में बैठे और क्या बातें कर रहे हैं। अरे यार अपने बारे में बता रहे हैं ना यार। मतलब चलो ठीक है बता दें। तो बाहर कैफ, तो फिर वो पाकिस्तान गई है तो वालदा ने भी बहुत पसंद किया। तो बहुत ही मतलब ये इन्होंने शुरू में बड़ा अच्छा इंप्रेशन रखा शुरू में, बहुत मतलब ओह माय गॉड दिस इज टू फनी, बाद में असलियत होने चली। हाँ तो फिर उसके बाद नहीं वो केकड़े की तरह पैर निकालते हैं। नहीं लेकिन दिस इज जस्ट ए जोक, दिस इज जस्ट ए जोक। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से भाई देखें मुझे बहुत है, अगर ऐसी ऊंच नीच होती और ऐसा मसले मसाइल होते तो 26 साल हम कैसे गुजारते। नहीं बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह बड़ी बात है, 26 साल गुजारे। अब तो मैं सोच रहा हूँ रिटायरमेंट ले लूँ। अल्लाह ना करे। अरुण आज क्या हुआ शो पे मैं बता रही हूँ पहले ही। अच्छा चलो ठीक है, ये तो आपने कहा कि अरेंज हो गई, लेकिन अगर अगर ये होता है कि आपके वालदा या वालिद कहते हैं कि नहीं ये हमें पसंद नहीं है, तो आप क्या करते हैं? देखें पहली बात तो ये है कि मैं उनसे रीजंस पूछता। देखिए बागी नहीं होते कि नहीं पसंद है, बागी देखें बागी होना तो उस ज़माने में जिस तरह जो दौर हमारा था उस वक्त उसमें जो है ना बागी होना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हम लोग अपने वालदैन की उस ज़माने में बड़ी रिस्पेक्ट करते थे और जो उन्होंने कहा। लेकिन क्योंकि ज़िंदगी मेरी सारी बाहर गुजरी है, अब मैं आपसे जो उर्दू बोल रहा हूँ, मैं उर्दू जो है ना मेरी वालदा ने मुझे सिखाई लिखना और पढ़ना, ठीक है। तो उस लिहाज से मैं उनको क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने जिस अंदाज से ये सिखाया और जो जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, अंग्रेजी तो खैर आई जाती है आपको, तो बागी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उनसे मैं रीजंस पूछता कि आपकी क्या रीजंस हैं। तो मेरे वालदैन जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि उन्होंने हमेशा रिलेशनशिप एज ए फ्रेंड रखा, तो मेरी उनके साथ बड़ी ओपन रिलेशनशिप थी, तो मैं यही पूछता। तो मुझे लगता ही नहीं है कि अब मेरा बेटा है, अगर मेरा बेटा किसी लड़की को पसंद करेगा तो मोस्ट लाइकली उसके अंदर मेरे जरासीम है। Right, यानी जरासीम वर्ड यूज करना एक तो अजीब सा लगता है, लेकिन मेरी आदतें उसके अंदर होंगी, मेरी पसंद, मेरा पसंद उसके अंदर होगी, तो वो कोई ऐसी वैसी लड़की को तो नहीं हाथ लगाएगा। बिल्कुल, कितनी खूबसूरती से उन्होंने आपकी तारीफ कर दी, शुक्रिया जनाब। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, नहीं घर भी जाना है ना लुबना जी, वो तो है घर भी जाना है। तो अब जाहिर सी बात है अब गैराज में तो मैं सोऊंगा नहीं, आज सर्दियाँ वैसी हो रही है बहुत जब। नहीं लेकिन एक बात मैंने भी असर से कही थी, जब हम आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे और हमारी एक तरह से पसंद से भी हुई और फिर यू नो अरेंज भी हो गई, तो मैं सच से हमेशा ये कहती थी कि मैं कभी भी किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी जिसकी पेरेंट्स जो है ना मुझे पसंद नहीं करते होंगे, स्पेशली माँ बाप, क्योंकि उनकी मर्जी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो लकीली हो गया ऐसा कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया कि भाई पसंद आ गए हो गई। और फिर दूसरी बात ये इलाज वलाज के लिए भी आई थी, तो मैंने कहा कि चलो यार अब ये मतलब बेचारी इलाज के लिए आई है। आज का ना कॉमेडी शो बना रहे हो आप आरेरा, आज जो लोग संडे पंच देखते आ रहे हैं मुझे भाई थोड़ा सा तब्दीली तो आए ना, कह रहे हैं अच्छा मतलब खराब है शो, आप इतने आराम से पब्लिकली ये बात आपने कह दी। हाँ बिल्कुल भाई, मतलब इट्स ओके, आपने गलत कपल को बुला लिया। मुझे मुझे एक बात बताएं, क्या मतलब ये हमारी जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं क्या वो मतलब हमारी फैमिली नहीं है?
हम सब फैमिली है ना, तो दैट्स फाइन, आई मीन यू नो दैट्स ओके, आई मीन मैं ये समझता हूँ, आई डोंट नो, वो समझ गए होंगे वैसे व्यूअर्स देख के कि फरी और सद आ रहे हैं टीवी पे, तो आज टीवी का जो है ना वो क्या होने वाला क्या होने वाला. अच्छा आप मुझे बताएं कि आप अभी थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे ना, आप लोग काफ़ी एक्टिव भी हैं कम्युनिटी के अंदर, और मैं थोड़ी देर बताऊंगी ये लोग क्या करने जा रहे हैं बहुत जल्द टीवी वन पे, लेकिन अभी नहीं, अभी जो कर रहे हैं टीवी वन पे वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप लोग जैसे मजाक करते हैं, हंसते खेलते हैं, कभी सीरियसनेस भी होती है, एंड ऑफकोर्स जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी कि कभी अगर ऐसा कोई मसला आया तो किस तरह से आप सपोर्टिव रहे एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो हम बातें कर रहे हैं आप लोगों के थोड़ा सा कहते हैं बिहाइंड दिस अडोरेबल कपल के पीछे की हम थोड़ी सी बातें कर रहे हैं, तो बताएं आपने कैसे किया ताकि लोग इससे कुछ सीखें भी साथ साथ. हाँ ये बात आपकी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि ये कि हम कैसे करते हैं और कैसे अब तक लेके चले, क्योंकि वाकई हम लोगों के झगड़े भी होते हैं, हमारे आर्गुमेंट भी होते हैं अक्सर और बेशतर होते हैं हमें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं यही सोचती हूँ कि हमेशा ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में कोई इंसान मुकम्मल नहीं है, हर किसी के अंदर अच्छाइयाँ बुराई होती हैं, तो क्यों ना हम अच्छाई को देखें और बुराई हम में भी है, तो मैं कोशिश करते हैं हम दोनों बुराइयां ज्यादा हैं अच्छाइयां कम. कोई बात नहीं, आपकी ये बात भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन ये कैमरे की ये सब कैमरे का कमाल है, एडिट करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करें, एडिट नहीं करें, जो दिल की बात है जो सच्ची बात है वो बोलनी चाहिए. तो मैं कहती हूँ खुशियाँ इंसान को चाहिए कि खुश रहे और खुशियाँ बांटे. अब थोड़ी लड़ाई हो गई उसको याद रखो, अरे इन्होंने मुझे ये कहा था, इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, क्यों किया, और मैं अब बात नहीं करूँगी, नाराज़ हो गई, फ़ायदा क्या, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो. तो यही वजह है कि मैं हम लोग खुश रहते हैं, हंसते बोलते हैं, इसलिए कि ज़्यादा देर रखते नहीं कोई बात दिल में. बिल्कुल, चलें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अभी हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, आप लोग तो कहीं मत जाइएगा, लेकिन आप लोगों से कहना था छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्पेशल मैसेजेस फ्रॉम आवर व्यूअर्स एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम आवर अमेजिंग पीपल, वी विल बी राइट बैक.